तो जो चीज़ें वापस लौट के नहीं आती है उसे बर्बाद करने का अधिकार भी किसी को नहीं है। कहा गया है कि वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती किसी को वक्त बदलने के लिए। मैं या मेरी पार्टी किसी के इबादत का विरोध नहीं करती है। पहला बात कि कक्ष का आवंटन करके उन्होंने खुलेआम एक तरह से तुष्टिकरण करने हेतु और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि आखिर हम भी भारत के नागरिक हैं, झारखंड के नागरिक हैं, और लाखों जनता ने चुनकर भेजा है। हमारी भी आस्था किसी धर्म विशेष के प्रति है। वैसी स्थिति में मैं स्पीकर साहब से मांग करता हूँ कि 82 विधायकों की भावनाओं को देखते हुए, जिसमें 78 विधायक दूसरे समुदाय विशेष के हैं, साथ ही वहाँ सैकड़ों कर्मचारी झारखंड विधानसभा में हैं, खास करके हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू धर्मावली हैं, तो वहाँ भी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर का निर्माण कराएं, क्योंकि परिसर बहुत बड़ा है, जगह भी खाली है।